मध्य प्रदेश के बड़वाह से करीब 8 किलोमीटर दूर ग्राम आगरवाड़ा में रविवार की शाम को घर से शौच के लिए गई 16 वर्षीय किशोरी 4 दिन बाद घर से करीब 40 फीट गहरे कुएं में जिंदा मिली है। इस बीच पूरा परिवार बेटी को खोजता रहा लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। गुरुवार को गांव के पास गणपति विसर्जन के लिए लोग कुएं को देखने के लिए गए। ग्रामीणों ने पत्थर डाला तो अंदर से घायल किशोरी की आवाज़ देने पर पता लगा कि यह तो 4 दिन से लापता थी और यह वही युवती है। किशोरी के कुएं में होने की खबर लगते ही परिजन सहित ग्रामीण की भीड़ जमा हो गई तो सूचना मिलने पर बड़वाह पुलिस मौके पर पहुंची। तुरंत रस्सी और खटिया के सहारे किशोरी को बाहर निकाला गया और उसे शासकीय अस्पताल लाया गया जहां उसे इंदौर रिफर कर दिया गया है। TI राजेंद्र बर्मन ने बताया कि आगरवाड़ा के निवासी प्रकाश ने 9 तारीख को बच्ची के शौच से जाने के दौरान गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिजनों ने घटना के पीछे आशंका व्यक्त की है तो वहीं इस मामले में अन्य कोई कारण हो सकता है ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जिसके चलते ही पुलिस से मामले की जांच कराने की मांग की गई है। संडे 5:30 बजे लड़की घर से निकली। क्या नाम है? भारती रॉयल। लेटरिन डब्बा लेके गई बाहर, पीछे गड्ढा है वहाँ पे लेटरिन है, वहाँ से डब्बा पड़ा हुआ मिला, बाकी लड़की नहीं मिली। हमने उस दिन रात भर ढूंढा और शाम को थाने पे आए 12:01 बजे। 12:01 बजे आए वहाँ पे, रिपोर्ट पर डलवाई तो आने, फिर कल नाइट में ढूंढा, 2-3 लोग ढूंढा करे, फिर आज शाम सुबह गणपति गणपति खमाने के लिए सब इधर उधर पूरे गाँव के थे। तभी 5:30 बजे गणपति खमाने गए, 5 बजे वहाँ, तो उसमें छोरे को इसको बोला कुलदीप जगदाले को कि बेटा तू इसमें पानी छोड़ दे। ये पानी छोड़ने के लिए जाने लगा, फिर उसको कि इसमें पानी है ही नहीं, अपन इसमें पानी डाल के अपन देख लें जरा। तो उस हिसाब से पानी डालने, तो इसने पत्थर डाल के देखा, पत्थर डाला कि लड़की बोली कि यार भैया कौन है कि वहाँ लगी जाएगी, क्योंकि बोली नीचे से आवाज़ आई, नीचे से आवाज़ आई। तो मेरा छोटा वाला भाई भी था कालू राय, उसने बोला कि कौन है बेटा, कि अंकल और भरते, उसने आवाज़ ही पहचान ली। उसके बाद में फिर पूरे गाँव की सहायता से बच्ची को कुएं से निकाला था और खटिया बांधी। चार ये कितना गहरा कुआ है और इससे पानी है या नहीं है? सूखा पानी था। अच्छा, कितना गहरा? गहरा कम से कम 50-60 हो गया। अच्छा, और ये किस तरह से बाहर निकाला उनको? उनको खटिया डाली नीचे, फिर एक अंकल को गांव से उतारा, उनको नीचे उतरे, उनको गुड़िया को खटिया के ऊपर रखी और उसके बाद में खटिया ऊपर रख के रस्सी बांध के फिर वापस खींची। जब बाहर निकाला तो गुड़िया ने कुछ बताया? क्या बोला उसने? कुछ नहीं, भी नहीं बोला। उन्होंने ये बोला कि मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, लड़की का 3-4 दिन से कुएं में गिरना बताया है। स्वास्थ्य परीक्षण करने पर उसके बाएं पैर की जांघ की हड्डी टूटी हुई पाई गई। जिस वक्त उसको यहाँ लाया था उस वक्त उसका पूरा पैर मुड़ा हुआ था, अभी उसका पैर सीधा कर दिया गया है, तो उसमें स्प्लिंट लगा दिया है। बाकी उसे शरीर में कहीं चोट नहीं है, दाहिने पैर में हल्की सी रगड़ है। लाश के पश्चात उसको इंदौर एमवी हॉस्पिटल रेफर करेंगे, आगे और भी महिला चिकित्सक द्वारा उसकी जाँच की जाएगी कि उसके साथ और कोई दूसरी अनहोनी तो नहीं हुई है। सर, क्या कुछ बताया लड़की ने, क्या बोलने की स्थिति में है? लड़की तो बोलती है कि भाई मुझे कुछ याद नहीं है, उससे बार बार पूछने पर एक ही जवाब दे रही है वो कि मुझे कुछ याद नहीं है। शाम को 5:30 बजे 8 तारीख तो घर से क्या बोल के गए थे? घर से तो वो हमारे साथ में मेरी सास ने डब्बा उठाया लेटरिन का, और लेटरिन गए तो हमारे उधर गड्ढा है, तो वो गड्ढे में नहीं गए और ऊपर के ऊपर गायब हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हमने उसको ढूंढा, सास बोले कि उसकी मम्मी के पास होगी, मैं बोली कि उसकी दादी के पास होगी। हो गया 6 बजे हमने इसको ढूंढा, हमने रात भर 10 बजे रात तक ढूंढा और फिर थाने में आए, तो थाने वाले ने रिपोर्ट लिखवा ली, बोले कल आऊंगी मैं मौका देखने, जैसे 4 दिन हो गए अभी तक नहीं आए मौका देखने को। तो रोज आ रहे थाने पर, रोज आ रहे हम। गणपति बाबा लोग सब इकट्ठे ऐसे इकट्ठे हुए थे, इसकी आवाजें धीरे धीरे क्यों भारती बोली रही, भारती बोल रही, जब इन्होंने सुने की कुएं से कुछ आवाज आ रही है। अच्छा, तो ये कुएं में से आवाज आई? हाँ। तो ये जो किसी विसर्जन करने वाले गांव के बच्चों ने उनको बाहर निकाला? हाँ, गांव के बच्चों ने बाहर, सब हमारे परिवार बाहर। तो ये क्या उस समय के किस स्थिति में थे? ऐसे कि ऐसे, तो मतलब वहां पर तैर रहे थे, क्या कर रहे थे? पानी नहीं था, कुआं। ये दिनांक 9 तारीख को रात्रि में रिपोर्ट की, प्रकाश पिता भाईराम राय अगरवाड़ा के निवासी है,
ने रात को आए कि इनने बताया कि हमारी बच्ची चूँकि लेटरिंग करने गई थी तो वो वापस नहीं आई है, तो उसका डिब्बा कहीं वहाँ पास मिला है। तो इस संबंध में उनकी तरफ से चूँकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इसमें धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना दिया गया था और उसमें चूँकि उसकी तलाश की जा रही थी उसमें आज जानकारी लगी थी कि वो कुएं में थी, तो जिसको गांव वालों की मदद से निकाला गया है। चूँकि अभी बच्ची बयान देने की स्थिति नहीं है, डॉक्टर साहब द्वारा उनको अभी बताया गया है कि वो थोड़ा सदमे में है, इस कारण बयान नहीं हो पाए हैं। उनसे बयान लेके जो भी होगी मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। ये चार दिन आपने कैसे निकाले? रात में भूख प्यास लगी होगी आपको, अंधेरे में किस तरह से आपने निकाले? अंधेरा था तो आपने कैसे निकाले भाई? आपने आवाज़ लगाई थी लोगों को? किसी को भी मैंने आवाज़ सुनाई नहीं। अच्छा, कैसे गिर गए थे आप? कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ जाने के लिए निकले थे? अंधेरे में आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? भूख वगैरह लगी होगी आपको? अंधेरे में डर लग रहा था आपको? वहाँ कोई जानवर वगैरह थे?